हेलो एवरीवन। तो आज हम जो ट्रिक देखने वाले हैं, इससे हम 25 लाख तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो उसका क्यूब रूट एकदम आसानी से विद इन 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 13 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब हो गया आपका 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब आपका 216, 7 क्यूब हो गया 343, 8 क्यूब हो गया आपका 512, 9 क्यूब हो गया 729, 10 क्यूब हो गया 1000, 11 क्यूब हो गया 1331, 12 क्यूब हो गया 1728 होगा ये, और 13 क्यूब हो गया आपका 2197। तो ये 1 से लेके 13 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, कौन से यूनिट डिजिट से आपको क्यूब में क्या यूनिट डिजिट मिल रहा है, मतलब नंबर का यूनिट डिजिट है 1, तो जो क्यूब आ रहा है उसका यूनिट डिजिट है 1, ठीक है। अगर नंबर का यूनिट डिजिट है 2, तो क्यूब का भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। तो सबसे पहले तो कौन सा क्यूब है ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं हो रहा, पहले वो लिख लेते हैं। तो आप देखो, 1 में क्यूब में यूनिट डिजिट नहीं चेंज हो रहा है ना, 4 में भी चेंज नहीं हो रहा, 5 में नहीं हो रहा, 6 में नहीं हो रहा, और 0 में नहीं रहा। तो इसमें यूनिट डिजिट वही रहेगा जो कि क्यूब का यूनिट डिजिट है, मतलब क्यूब का यूनिट डिजिट और नंबर के यूनिट डिजिट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यूब का यूनिट डिजिट और नंबर का यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है। डिजिट तो हम 0 से 9 तक ही देखेंगे। इसके बाद आप देखो, 2 और 8 आपस में इंटरचेंज हो जाता है, मतलब अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। देखो आप, नंबर का यूनिट डिजिट और 8 हुआ तो आपका क्यूब में 2 हो जाए। ठीक ऐसे ही आपका 3 और 7 इंटरचेंज होता है, 3 और 7, ठीक है। अच्छा, 9 भी आपका सेम ही रहेगा। तो 2 और 8 इंटरचेंज होता है, 3 और 7 इंटरचेंज होता है, और बाकी आपका ये जो नंबर्स है 0 1, ये सब जो डिजिट है ना, 0 1 आपका 4 5 6 9, ये जो 6 डिजिट्स हैं, इसमें तो यूनिट डिजिट नंबर का और क्यूब का सेम रहता है। बस ये दो चीज समझ में आ गया, 1 से लेके 13 तक का क्यूब दिमाग में रहा और ये यूनिट डिजिट दिमाग में रहा। तो अब आप कोई भी 25 लाख तक कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो तो उसका क्यूब रूट एकदम आसानी से विद इन 10 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला है कि नंबर है 2744, तो इसको करना क्या है, आप राइट साइड का 3 डिजिट को एक साथ ले लोगे। पहला काम ये करना है, पार्टीशन कर देना है, राइट साइड में 3 डिजिट एक साथ ले लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 4, यानी 4 तो चेंज नहीं होता, 4 चेंज नहीं होता, तो 4 वैसा ही रहेगा, तो नंबर तो 4 रहेगा ही नंबर के यूनिट डिजिट में। इसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो किसके क्यूब के बाद आ रहा है, तो मतलब ये 1 के क्यूब के बाद आ रहा है ना, 1 और 2 के बीच में, तो 1 के बाद आ रहा है, तो यहां हो गया ये नंबर 14। तो देखो एकदम आसानी से निकल गया क्यूब रूट। चलो इसको भी देखते हैं, यहां 3 डिजिट्स को एक साथ डिवाइड किया तो लास्ट में है 9, 9 तो 9 से ही आता है, तो सिंपली हमने 9 लिख दिया। बाकी बचा हुआ है यहां पर 6, अभी भी ये 1 क्यूब के बाद ही आया, क्योंकि 2 क्यूब जो है, 2 क्यूब होता है 8, वहां तक पहुंचा नहीं है, तो इसका भी जो 10th डिजिट है, बचा हुआ डिजिट है, वो 1 हो गया, यानी ये नंबर टोटल हो गया 19, ठीक है। यहां से आपका 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है बचा हुआ पार्ट में, वो आगे देखेंगे। अब यहां देखो, यहां भी आप लास्ट 3 डिजिट को पार्टीशन करो, यहां यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 कैसे आया था, यहां आ जाओ देख लो 3 कैसे आ रहा है। यूनिट डिजिट में किसी परफेक्ट क्यूब में 3 कब आया था, यहां आया था, किससे आया था, 7 से, या फिर उतना ऊपर नहीं भी देखना है तो ये चार्ट दिमाग में रख लो, ठीक है, ये वाला चार्ट दिमाग में रख लो कि 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होता है, 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होता है, बाकी तो चेंज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिजिट तो 7 हो गया, बाकी इधर बचा हुआ 19 है, 19 2 क्यूब के बाद आता है, तो यानी ये नंबर हो गया 2 यहाँ, यानी ओवरऑल ये नंबर क्या आया, 27। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बस पार्टीशन करना है एक बार। हाँ, ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। यहां पर देखो, ये राइट साइड में पार्टीशन कर दिया आपने, तो ये 7 है, 7 कैसे आएगा, 3 से आता है 7। अब यहां है 389, 389 अगर ऊपर वाला वो चार्ट याद हो, तो 6 का क्यूब होता है क्या,
216, 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया 512, तो 343 के बाद आया है ये, यानी 7, ठीक है। वो दो देख लेना जिसके बीच में हो, और जो छोटा वाला हो वही लिख देना, जस्ट जो सबसे मतलब सबसे बड़ा क्यूब, बट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आसान भाषा में ऐसे भी समझो कि सबसे बड़ा वो नंबर जिसका क्यूब बट इससे बड़ा नहीं, तो यानी परफेक्ट क्यूब 343 है, जो इसके जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। देख लो 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं इसमें, ज्यादा प्रैक्टिस हो तो और जल्दी होगा, क्योंकि मैं तो अभी बस एक्सप्लेन करते उतर रहा हूँ, आप अगर डायरेक्टली करोगे और जल्दी होगा। थ्री पार्ट में पार्टीशन कर दिया इसको, तो यहाँ लास्ट में क्या है, थ्री है, यानी वो आया होगा 7 से। यहाँ बचा हुआ है 103, 103 कौन से क्यूब के बाद है, तो आप देखो 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, तो ये तो सिंपली 4 क्यूब के बाद आया है, यानी 47 हो गया नंबर। देखो कितना कम टाइम लगेगा, यहाँ भी वैसे पार्टीशन कर दो, 8 है, 8 कैसे आता है, 2 से आता है 8, 8 और 2 इंटरचेंज होता है, यहाँ 140 तो 5 क्यूब के बाद आया है, यानी ये 52 हो गया नंबर। यहाँ आते हैं, यहाँ देखो ये लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट जो है, थ्री पार्टीशन तो नहीं है लास्ट वाला एकदम, तो ये 9 है, 9 तो 9 से ही आएगा, 328, यानी ये तो 216 के बाद, क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 है, वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो 69, ठीक है, ये 69 हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, इसको पार्टीशन कर दिया हमने, तो ये 441 में 1 है, 1 तो 1 से ही आता है, और 531 ये 512 के बाद है, जो कि 8 का क्यूब है, यानी ये नंबर 81 है। यहाँ 375 है, 375 तो यहाँ पर ये लास्ट में तो 5 आ जाएगा, और 2460 ये आपका 2197 के बाद है, 13 क्यूब के बाद है, तो 13, ठीक, समझ में आ गया इतना। इसके बाद वाला आप देखो, ये वाला है, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, 9 परफेक्ट क्यूब नंबर्स का आपने क्यूब रूट निकाल लिया है, 8 का आपको बताना है, ठीक है। और याद क्या रखना है, बस यही चीज दिमाग में तो रख लेना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब हो रहा है और क्या इंटरचेंज होता है, ठीक है। जितना ज्यादा तो आप याद रख पाओगे, अगर आप 20 तक का क्यूब याद रख सकते हो, तो आप समझ लो कि 20 तक का अगर क्यूब रख सकते हो ना, तो 20 तक का अगर क्यूब याद रख सकते हो, तो आप 200 तक के क्यूब को आप निकाल लोगे। जितना आपने 130 तक का याद, 13 तक का याद रखा, मतलब आप 139 तक का याद रख सकते हो, मतलब जितना आप क्यूब याद रख सकते हो उसका आप 10 टाइम्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में तो आ ही गया होगा। इस वीडियो में आज इतना ही, आप कमेंट में बता देना आंसर, और वीडियो और ट्रिक बहुत अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना। चलो, थैंक यू।